हेलो गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें इसकी थोड़ी इंट्रोडक्शन पता होनी पड़ चाहिए ताकि हम एक्सरसाइज अच्छी तरह से कर सकें। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में क्या है। अब जनरली पिछले एक्सरसाइज में क्या होता था, हमारे पास साइन थीटा कोस थीटा वो दिए होते थे, हमने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से समझ के करना पड़ता था। बट इस एक्सरसाइज में क्या है, इस एक्सरसाइज में आपके पास उन एंगल्स की वैल्यू गिवन होगी, जैसे साइन 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब बात ये आती है कि हम यही एंगल क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि पढ़ हम और भी सकते हैं और होते भी हैं मैथ, जैसे साइन 15, साइन 12, साइन 13। बट स्पेसिफिक जो आपके पास मैथ है टेंथ में, उसमें सिर्फ जनरली यही है, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 एंगल हैं, 5 तरह के, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इन्हीं से ही आपको समझ के और फाइंड आउट करके आपने फिगर आउट करना है कि क्वेश्चन किस तरह से होगा। ठीक है, आपके पास जनरली इस एक्सरसाइज में सिर्फ ये 5 एंगल है, इन्हीं के रिस्पेक्ट में आपने क्वेश्चन करना है, सिर्फ इस 10th क्लास के मैथ में। बट जब आगे आप फर्दर स्टडी करोगे तो आपके पास एंगल्स की वैल्यू निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम ये एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन तो है क्या, ये इधर चलेंगे एंगल और इधर चलेंगे डिग्रीज। ठीक है, अब पहले आता है मेरे पास साइन, इसको ए लिख देते हैं क्योंकि साइन एंगल। फिर आता है कोस, फिर आता है टेन। ठीक है, साइन कोस टेन, फिर उसके बाद आता है मेरे पास कोसिक, ए सीकेंट ए, और फिर लास्ट में आता है मेरे पास कोट ए। ठीक है, अब ये है मेरे पास साइन कोस टेन कोसिक सीकेंट कोट। ठीक है, ये 6 एंगल हो गए। अब मुझे क्या लिखना है, साइन ए में 0 डिग्री, साइन ए पे 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। मतलब कि कहने का मतलब है कि ए की वैल्यूज आए, मतलब मैं कहूँ इसके बाद कहूँ मैं साइन 0 की वैल्यू सिर्फ फर्स्ट में, फिर यहाँ साइन 30 की वैल्यू, फिर यहाँ साइन, यहाँ पर साइन 45 की वैल्यू, यहाँ साइन 60 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू। अब आपको ये टेबल याद करना है कि हर एक एंगल पे कितनी कितनी वैल्यूज आएंगी। ठीक है, स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि हाँ टेबल काफ़ी बड़ा है, लर्न कैसे करेंगे इसको, तो जनरली एक सिंपल सा, देखो लर्न तो करना पड़ेगा आपको, बट थोड़ा आसान बता देता हूँ आपको कि एक आसान तरीका क्या है इसको लर्न करने का। ठीक है, तो पहले हम जनरली इसके एंगल लिख देंगे, फिर आपको समझाऊंगा मैं कि किस तरह से आएगा। पहले होता है साइन 0, हमारे पास होता है 0, फिर आता है मेरे पास 1/2। ठीक है, फिर आता है मेरे पास 1/√2, और साइन 60 होता है मेरे पास √3/2। ठीक है, और फिर साइन 90 होता है 1। ओके, आपको पहले ये समझना होगा कि ये पहले सीरीज ही आई कहाँ से है, मतलब ये साइन की चल रही है, फिर चलेगी कोस की, टेन की, ऐसे ऐसे करके सबकी चलेगी। ठीक है, अब साइन ए की वैल्यू कहाँ से है? अगर मैं जनरली आपको इसको समझाऊं, अगर जैसे आपको पता है, ठीक है, मतलब इसको याद करने का कि कैसे है, पहले आती है साइन 0, 0, साइन 30 हाफ, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, अब ये आई कहाँ से मेरे पास, तो अब आपको अगर समझाना चाहूँ, अगर मैं इसको पहले ऐसे लिखूँ रूट में, एक ए की वैल्यू याद रखनी है, फिर वैसे √4, अभी 0.4 है, इसमें 4, 4, 4 नीचे सेम चलता है रूट में, और ऊपर 1, 2, 3 आएगा, यहाँ पर आएगा मेरे पास √1/4, फिर अगली आएगी 2/4, ये था 0, 1, 2, 4, 4 सेम था, अगली क्या आएगी, आप प्रेडिक्ट हो सकते हैं ना, 3/4, अगली क्या आएगी मेरे पास 3 के बाद क्या आता है 4, और √4 नीचे सेम चल रहा था। ठीक है, अब वही है 0.0, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये देखना आप याद रख सकते हो, 0, 1, 2, 3, 4 रूट में, और रूट में ही 4, 4, 4, 4, 4 नीचे सबका डिनोमीटर सेम है बट वो रूट में। ठीक है, अब क्या आएगा इसका 1/4, अब 1/4 का रूट करेंगे क्या आएगा मेरे पास 1 का √1, और √4 का मेरे पास क्या होता है 2, तो 1/2 इसकी वैल्यू आ गई। अब सिमिलरली अगर आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो, 2 1 2 2 2, तो क्या रह गया रूट में 1/2, तो √1 तो 1 ही होता है, और √2 सिंपल चलेगा, तो इसकी वैल्यू आई 1/√2। ठीक है, अब यहाँ पर है मेरे पास √3/2, और यहाँ पर था मेरे पास √3/√4, अब √3 तो ओपन हो नहीं सकता, तो एज इट इज रहेगा। अब √4 की वैल्यू क्या होती है, अगर मैं साइड में लिख दूँ √4 = 2, ठीक है, √4 की वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पर 2, तो आ गया √3/2। ठीक है,
ये भी आ गया एंगल। अब मेरे पास है ये साइन 90 की क्या 1, और यहाँ पे 1 कैसे आएगी, कैंसिल हो जाएंगे, रूट 1 इज इक्वल टू खाली 1। ठीक है, अब आपको ये वैल्यू समझ आए कि पहली वैल्यूज को मैं कैसे याद रखूँगा। वो या तो आप सिंपल याद रखो साइन 0 ये दिस दिस दिस, अगर आप ऐसे याद रखना है आप पहले टेबल बना के याद रखेंगे, फिर ऐसे ही पहले 0 1 2 3 4 सबको रूट में, और 4 को भी उसको जो डिनोमीटर में है 4 4 4 4 4। ठीक है, फिर कैंसिल आउट कर दो और देखो कि हाँ क्या बचता है, जो बचता है वो साइन के एंगल जाएंगे। ठीक है, ये समझ आया पहले सीरीज। ठीक है, अब हम करेंगे कोस, फिर टेन, फिर कोसिक, सीकेंट और कोट। ओके, तो पहले मुझे समझना पड़ेगा कि कोस का कैसे लिखते हैं। अब कोस को भी बड़ा इजी है, अगर आपके पास साइन का आपको समझ आ गया कि साइन के एंगल यह 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, तो कोस के भी ऐसे लिख देंगे। अब कोस के कैसे लिखेंगे, कोस के जो एंगल होंगे वो साइन के अपोजिट होंगे। ठीक है ना, मतलब कि जो भी ये सीरीज है ना ये उल्टी होके आ जाएगी, मतलब कि साइन की लास्ट वैल्यू क्या थी 1, अब कोस की यही लास्ट फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी 1, अब साइन की सेकेंड लास्ट वैल्यू क्या थी √3/2, बट अब कोस की सिर्फ सेकेंड, ना कि सेकेंड लास्ट, सिर्फ सेकेंड वैल्यू। ठीक है, ये रिवर्स हो जाएगी, अब साइन लास्ट की वैल्यू इसको ऐसे कर देंगे, ये था 1 और ये आएगी यहाँ पर, और ये सेम रहेगा क्योंकि कोई चेंज ही नहीं है, और ये आएगी यहाँ पर और 0 आएगी लास्ट में। ठीक है, अब देखना बिल्कुल वो चेंज कर दी 1 √3/2 1/2 एज इट इज़, क्योंकि दोनों का प्लेस सेम है, और फिर ये और फिर ये। कहने का मतलब यह है कि साइन की अगर हम रिवर्स कर दें डिजिट को, मतलब कि इसको उठा के पूरी को यहाँ पर रख दें, तो मेरे पास ये साइन की सीरीज कोस की सीरीज बन जाएगी। ठीक है, अब मुझे लिखनी है साइन की। ठीक है, अब साइन की होती क्या, मेरे पास पहले तो मैं लिख देता हूँ कि साइन की होती क्या, फिर समझेंगे कि हाँ ये कहाँ से आई। पहले होती है साइन की मेरे पास टेन की, टेन की वैल्यू आएगी 0 ठीक है, और 10/30 होता है मेरे पास 1/√3, और फिर होता है 10/45 1, और 10/60 होता है मेरे पास सिंपल √3, और 10 ए होएगा मेरे पास नोट डिफाइंड। अभी सिर्फ मैं एंड लिख रहा हूँ नोट डिफाइंड, ठीक है, नोट डिफाइंड का मतलब भी बता रहा हूँ, पहले तो मैं 10 ए समझता हूँ, 10 ए आया कहाँ से। अब इस चैप्टर में कुछ एक दो प्रॉपर्टीज हैं आपको वो भी याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा याद करने का काम तो करना पड़ेगा इस चैप्टर में। ठीक है, तभी चैप्टर होएगा आपसे, और आपको साथ साथ चलना पड़ेगा मेरे इस चैप्टर में। तो टेन ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन ए अपोन में कोस ए। ठीक है, साइन ए अपोन कोस में, अब वही है, अब जनरली मुझे पता है, पहले तो मैं टेन ए की वैल्यू लिखता हूँ, बाकी कोट को बाद में समझाऊंगा। ठीक है, टेन ए को मैं हमेशा ऐसे लिख सकता हूँ, ये रिजल्ट है, आप इसको जैसे मर्जी करके याद कर सकते हो, टेन ए इज इक्वल टू साइन अपोन कोस। ठीक है, साइन आ गया और कोस आ गया, अब भैया अगर मुझे टेन ए की यहाँ पे वैल्यू लिखनी है, मतलब टेन जीरो की वैल्यू तो मैंने लिखी थी, अब मुझे फाइंड करनी है टेन जीरो की वैल्यू, तो क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ जनरली टेन जीरो डिग्री इज इक्वल टू टेन ए, ए ए सबका सेम है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन का भी जीरो और कोस का भी जीरो। ठीक है, अब भैया साइन जीरो पे कितना होता है, साइन जीरो पे जीरो और कोस जीरो पे वन, तो 0 1 1 0, तो ये आ गया टेन जीरो की वैल्यू 1। अब मुझे वही निकालनी है टेन अगला मैं 30 की ये आनी चाहिए, बट मैं चेक करके बता रहा हूँ कहाँ से आएगी। टेन 30 इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस होता है, तो साइन 30 अपॉन कोस 30। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, साइन 30 कितना होता है, साइन की 30 वैल्यू हाफ, ठीक है, और कोस की 30 कोस ये रहा, और उसकी 30 वैल्यू √3/2। ठीक है, अब इस 2 से 2 कैंसिल, अब क्या बचा, 1 ऊपर था और √3 नीचे था। ठीक है, अब देखना 1/√3 आया, हाँ बिल्कुल चेक भी होगी हमारी वैल्यू। अब अगला क्या है 45, अब इसको देखना यहीं पे समझ लो, टेन 45 की निकालनी है, ये तो मैंने ऐसे लिख लिया, बट अभी मुझे निकालनी है, अगर मैं इसको हाइड कर दूँ, ठीक है हाइड कर दी मैंने, तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन और कोस से। कहने का मतलब ये, अगर ऊपर वाली वैल्यूज आ गए तो उनसे ही लिंक्ड है नीचे वाली वैल्यूज। ठीक है, तो साइन अपॉन कोस मतलब कि 1/√2 अपॉन में 1/√2, तो सेम है ऊपर भी सेम है, कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे अगली मैंने इसलिए छुपाई क्योंकि अब मुझे करने में आसानी होगी। अब टेन 60 की निकालनी है, मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी अब वो कैसे आएगी, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपॉन में कोस। ठीक है ना, अब ये था साइन, ये था कोस, मतलब कि साइन 60 और कोस 60, क्योंकि साइन की उसी के हिसाब से निकालनी है ना मुझे। फिर कैसे निकालेंगे हम, अब सिंपल है, साइन √3/2 अपॉन में 1/2,
ठीक है, जब रूट थ्री बाई टू और वन बाई टू है तो हाफ से हाफ कैंसिल, रूट थ्री अपॉन वन, ठीक है ना, रूट थ्री बाय वन, तो कितना आएगा मेरे पास, रूट थ्री बाय वन, सिंपल रूट थ्री, इसके नीचे वन लगाओ ना लगाओ, क्योंकि टू से टू तो कैंसिल हो गया ना, और मुझे डिवाइड करना था साइन ए अपॉन कोस ए, इनकी वैल्यूज का हाफ से हाफ कैंसिल, रूट थ्री अपॉन नीचे वन, ठीक है। अब बात आती है इसकी, अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोट डिफाइंड था इसका मतलब। अब मुझे निकालनी है टेन नाइन्टी पे वैल्यू, टेन नाइन्टी को आएगा साइन नाइन्टी और कोस नाइन्टी। अब साइन नाइन्टी कितना है, वन अपॉन में कोस नाइन्टी कितना है, जीरो, तो वन बाय जीरो हमारे पास फॉर्म होती ही नहीं है, इसको मैं लिख भी दूँ ये बनेगी वन बाय जीरो फॉर्म, और ये नोट डिफाइंड होती है, इसे हम इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं, बट ये नोट डिफाइंड फॉर्म होती है, ये आपके पास मैथ में यूज नहीं होती, ठीक है। अब आपके पास तीन डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होगी, साइन की, कोस की और टेन की, ठीक है। अब ये एंगल्स याद हो गए, ये कैसे था, पहले तो जीरो वन टू थ्री फोर और रूट में, और नीचे डिनोमिनेटर में भी रूट में फोर 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 फोर, उनको कैंसिल आउट करके जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर, ठीक है। अब कोस की कैसे है, वो भी साइन से लिंक्ड है, क्या करना, बस उस सीरीज का मैं रिवर्स करके यहाँ लिख दूंगा, वन वैल्यू यहाँ पे, रूट थ्री यहाँ पे, वन बाय टू यहाँ पे, ये यहाँ पे, और फर्स्ट वैल्यू लास्ट में पहुँच गई, ठीक है। अब टेन ए का क्या है, मैंने फॉर्मूला बताया साइन अपॉन कोस, अगर मुझे देखना लिंक्ड है, अगर मुझे ऊपर वाले पता तो मैं इसको भी फाइंड कर सकता हूँ, तो साइन का इनका डिवाइड करा, इन दोनों का डिवाइड करा, इन दोनों का, इन दोनों का सेम सेम एंगल करो, इन दोनों का, ठीक है, वन बाय जीरो करा तो नोट डिफाइंड आ गया, ओके। अब आपके पास तीन तरह के एंगल होंगे, अब बस कुछ नहीं, अगर आपको ये तीन समझ आ गए ना तो ये तो बड़े आसान है। अब हमने एक वो फॉर्मूला पढ़ा था वही पंडित बद्री प्रसाद वाला, बट उसके जैसे ये भी फॉर्मूला नहीं है, बस ये उसे ही लिंक्ड है, एक होता है साइन, फिर आता है कोस, फिर आता है टेन, फिर इसी के नीचे आता है कोसिक, फिर आता है इसी के नीचे कोस का, कोस कर देते हैं सीकेंट, फिर इसी के नीचे आता है कोट, ठीक है। ये हमने पढ़े थे, अभी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में पढ़े थे कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल वो क्या होता है, कोसिक, और कोस का सीकेंट, और टेन का कोट, ठीक है। मतलब मैं अगर कहूँ रफली में साइन इज इक्वल टू वन बाय कोसिक, ठीक है, ऐसे हो सकता है, और कोस इज इक्वल टू वन बाय सीकेंट, और टेन इज इक्वल टू वन बाय कोट, मतलब सिंपल सी बात है, अगर साइन की वैल्यू हो तो मैं कोसिक की निकाल सकता हूँ, या मुझे कोसिक की पता तो मैं साइन की निकाल सकता हूँ, जनरल सी बात है, ठीक है। या मुझे कोसिक की निकालनी है तो कोसिक कितना आ जाएगा, कोसिक इज इक्वल टू वन बाय साइन, मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल, अगर कोसिक की निकालनी है तो साइन को उल्टा कर दो, अगर साइन की निकालनी है तो कोसिक को उल्टा कर दो, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल। अब बस भैया कोसिक की निकालनी है तो किसको उल्टा करूँगा मैं, साइन को। अब साइन की क्या है, जीरो, अगर मैं जीरो को रेसिप्रोकल में ले जाऊँ, जीरो था ये, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल में ले जाऊँ क्या देगा, वन बाय जीरो, बट वन बाय जीरो तो मैंने अभी समझा क्या फॉर्म होती है, नोट डिफाइंड, तो इसे हम लिख देंगे नोट डिफाइंड फॉर्म, ठीक है। अब मुझे निकालना है कोसिक, ये यहाँ थर्टी की बात आ रही है, कोसिक थर्टी मतलब साइन का उल्टा, साइन का उल्टा कितना, वन बाय टू का हाफ, रेसिप्रोकल कितना होएगा, ये था मेरे पास वन बाय टू, अब इसका मैं रेसिप्रोकल करूँगा तो वन अपॉन वन बाय टू, जो सबसे नीचे होता है सबसे ऊपर जाता है, क्योंकि तीन है ना अभी, वन 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 अपॉन टू, तो क्या आएगा ऊपर सिंपल टू बाय वन या फिर सिंपल टू, तो ये आएगा इसका रेसिप्रोकल करके टू, और कोस कितना निकालना है, फोर्टी फाइव, अब ये किससे निकलेगा, साइन का रेसिप्रोकल कितना है, वन बाय रूट टू, वन बाय रूट टू का रेसिप्रोकल सिंपल रूट टू, अब सेम केस सोचना, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, कोसिक सिक्सटी, कोसिक सिक्सटी किससे निकलेगी, साइन सिक्सटी से, इसका रेसिप्रोकल कर दूँ तो कोसिक की वैल्यू आ जाएगी कितना, रूट थ्री बाय टू, मतलब कि इसका उल्टा करा तो टू अपॉन रूट थ्री, ओके। अब है मेरे पास ये कोसिक नाइन्टी, अब नाइन्टी का रेसिप्रोकल करूँ तो वन का रेसिप्रोकल वन बाय वन, मतलब कि वन, तो वन का उल्टा भी वन ही होता है, ठीक है। अब आगे बात है मेरे पास सीकेंट, अब वही है साइन होता है कोस का उल्टा और कोस होता है साइन का, अब वही है सीकेंट, कोस होएगा सीकेंट का और सीकेंट किसका होएगा, कोस का। अब सीकेंट आया मेरे पास कोस से, मतलब इनका अगर ऐसे लिंक कर ले, ये था इसके साथ, ठीक है, और कोस का इसके साथ था, और टेन और कोट एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल होते हैं, तो अगर मैं कोस ए का रेसिप्रोकल कर दूँ तो वो सीकेंट की वैल्यू होगी, बिल्कुल ऐसे ऐसे करके मुझे सबके रेसिप्रोकल करके सीकेंट फाइंड करना है। अब इसका रेसिप्रोकल करा वन अपॉन वन, वन ही, और इसका रेसिप्रोकल करा सीकेंट का, तो कितना आएगा मेरे पास, इसका रेसिप्रोकल करके टू अपॉन रूट थ्री, ठीक है, और मैं इसका रेसिप्रोकल करूँगा सिंपल रूट टू, ठीक है ना, कोस का था, अब मैं इसका रेसिप्रोकल करूँगा सिंपल टू, और इसका रेसिप्रोकल करूँगा क्या आएगा, जीरो का उल्टा वन बाय जीरो, मतलब कि नोट डिफाइंड, इसका आंसर नोट लिखना, नोट डिफाइंड। अब कोट है, कोट वही पढ़ा मैंने, कोट का उल्टा टेन,
10 की जो वैल्यू है उसको उल्टा करते जाएंगे, 0 का उल्टा क्या रहेगा 1/0, 1/0 हमेशा होती है नॉट डिफाइंड, आप इसको लिख सकते हैं साइड में, नॉट डिफाइंड मतलब कि काउंट नहीं कर सकते उसे, इन्फिनिटी भी आ जाती है। 1/3 का रेसिप्रोकल सिंपल √3, ठीक है, और 1 का रेसिप्रोकल सिंपल 1, और √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, और क्या रह गया नॉट डिफाइंड मतलब कि 1/0, 1/0 का उल्टा सिंपल 0, ठीक है। तो बस वही है, अगर इसमें एक बात में इसको सारी सम अप करूं, क्या था साइन कोस और साइन की वैल्यू पता चल जाए तो कोस की उसका इनवर्स रिवर्स हो जाएगी, और टेन साइन और कोस की पता लगी तो टेन क्या आ सकती है साइन अपॉन कोस करके दोनों को डिवाइड करके ऊपर साइन आएगा नीचे, ठीक है। अब तीन आ गया, अब तीन का क्या है उनकी जो भी रेसिप्रोकल होंगे, कोसिक किसका रेसिप्रोकल होएगा साइन का सारी वैल्यूज का, और सीकेंट किसको होएगा कोस का, और कोट किसको होएगा टेन का, उस उनके रेसिप्रोकल करते जाने हैं, और यहाँ पर मेरा टेबल कंप्लीट हो जाएगा, मुझे 0, 30, 45 और 60 और 90 डिग्री पे एंगल्स फाइंड आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसी के साथ ही मेरी इंट्रोडक्शन खत्म होगी, अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट। अब हम करेंगे इसी एक्सरसाइज की क्वेश्चन फर्स्ट। अब क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है हमारे पास, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आपको एक बार बता दूँ एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, इस एक्सरसाइज में जो भी कुछ मतलब क्वेश्चन आएंगे वो सारे इसी टेबल से रिलेटेड होंगे, ठीक है ना। जब तक आपको ये टेबल नहीं क्लियर रहेगा तब तक आप उनकी वैल्यूज़ नहीं पुट कर पाएंगे, तो जब तक आप कोशिश करना कि ये टेबल आपको सिंपल लर्न हो जाए, क्योंकि अब आप जनरली ऐसे एक वैल्यू के चक्कर में पूरा टेबल तो बना नहीं सकते, तो आप टाइम के साथ साथ धीरे 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 इसकी पर्टिकुलर वैल्यूज़ भी याद करने साथ, जैसे मैं कहूँगा कि साइन 30 के उत्तर तो आप बताओगे हाफ इस तरह से, ठीक है, उसे क्वेश्चन बड़े तेजी से होंगे। अब आप वरना टेबल बनाओगे फिर वही पहले टेबल बनाया फिर पुट करा, वो भी इजी रहेगा, बट अगर आप सिंपल याद रखोगे साइन 91 होता है कोस 90 होता है, ऐसे करके और फास्ट हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब हमारे पास है 8.2 बाई फर्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इस एक्सरसाइज में बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस इसमें टेबल में से वैल्यू उठानी है और इसमें पुट करनी है, ठीक है। बट एग्जाम में आपके पास टेबल ना दिया होगा, आप खुद बना सकते हैं, खुद से ही कर सकते हैं, ठीक है। अब साइन 60 इंटू में कोस 30 और प्लस साइन 30 इंटू कोस 60, ठीक है, हमारे पास ये दिया हुआ है, ये दोनों मल्टीप्लाई में, दोनों मल्टीप्लाई दोनों का समेशन, ठीक है, मतलब सब। अब क्या है साइन 60, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, ये है मेरे पास साइन 60, साइन 60 क्या है मेरे पास यहाँ से √3/2, तो बस वैल्यू रखनी है, बस कुछ नहीं करना, सिंपल वैल्यू रखनी है स्टेबल से, इंटू मल्टीप्लाई ब्रैकेट लगा सकता हूँ, और क्या है कोस 30, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है कोस और 30 ये, तो क्या होती है इसकी वैल्यू √3/2, ठीक है। अब वही सेम के साइन 30, साइन और 30 की वैल्यू हाफ हाफ, और कोस 60, कोस गए हम 60 पे हाफ, इसकी भी हाफ, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। अब क्या करना है √3 × √3, वही √a कितना होता है सिंपल a, क्योंकि सेम डिजिट बन जाती है ना, तो कितना है √3 × √3 सिंपल 3, और 2 × 2 = 4, ये रूट में नहीं थे, प्लस में 1 × 1 और 2 × 2 = 4, अब इन दोनों का बेस सेम आया, और एलसीएम ले सकते हो, तो एलसीएम लेके क्या आएगा सारा 4, और क्या आएगा फिर, अब सारा एलसीएम तो सेम आ गया, अब क्या आएगा सिंपल 3 + 1 क्या हो जाएगा 4/4, तो 4/4 कैंसिल, आंसर आ गया मेरे पास 1, ठीक है। अब आंसर 1 आ गया, अब अगला करेंगे हम पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास, अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। अब सेकंड में क्या 2 tan² 45 degree है, सॉरी अब इसका मतलब समझ लेना कि एंगल है, ठीक है। अब आपने ये कर दिया कि 2 tan² 45 है, और cos स्क्वेयर मेरे पास है 30 degree, और sin स्क्वेयर है 60 degree, ठीक है। अब क्या समझना है इसमें, कुछ भी नहीं, अब आपने डायरेक्ट वहाँ से वैल्यूज पुट करनी और उनके स्क्वेयर करने हैं। तो अगर आप देखना जनरली, जैसे मेरे पास ये 10, ये यहाँ पे समझाऊँ मैं, जैसे मेरे पास ये 10² 45 है, तो इसका मतलब होता है 10 45 की जो वैल्यू होगी उसका मुझे होल स्क्वेयर करना है, इन दोनों का मतलब एक ही है, मतलब ये दोनों सेम है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू पुट करनी है इस इक्वेशन को सोल्व करके, तो क्या है मेरे पास 2 में है, तो 2 में क्या है 10² 45, अब 10 45 की वैल्यू क्या है मेरे पास 10, ये है 45 45 की वैल्यू है 1, और उसका पूरे का क्या दे रखा है स्क्वेयर, उसका स्क्वेयर कर देंगे, ठीक है। प्लस अब मेरे पास यहाँ क्या है कोस स्क्वेयर 30 degree, कोस 30 देख लेंगे, उसका स्क्वेयर कर देंगे, कोस 30 कितना है कोस या 30 मतलब √3/2, उसका क्या करना है मुझे होल स्क्वेयर,
ठीक है, अब ये मैंने कर दिया। अब मेरे पास है साइन 60 का होल स्क्वायर। अब साइन 60 की वैल्यू क्या, साइन 60 ये नहीं, 60 की वैल्यू है रूट 3/2, इसका मुझे क्या करना है, होल स्क्वायर। ठीक है, अब जनरली आप देखना, यह है साइन स्क्वायर और ये है मेरे पास सवर, इनकी वैल्यूज क्या है, रूट 3/2 और रूट 3/2। अब आपके पास दो तरीके हैं, तो आप इसको सिंपल ओपन करो, फिर कैंसिल आउट होगी। यहाँ से देखना, रूट 3/2 का होल स्क्वायर, रूट 3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस है माइनस है, तो ये कैंसिल आउट हो गया पूरे पूरे। क्या रहेगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2, तो मेरा आंसर आ गया सिंपल। बड़े ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, अब हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट का ही थर्ड पार्ट। अब इसमें क्या दिया हुआ है, कोस 45 डिग्री दिया हुआ है और अपोन में है सीकेंट 30 डिग्री प्लस कोसिक 30 डिग्री। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, मुझे वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। कोस 45 क्या, कोस 45 की वैल्यू है 1/√2। ठीक है, यहीं पे भी पुट कर दूंगा मैं जी के साथ में, 1/√2 अपोन में सीकेंट 30। तो सीकेंट ये रहा मेरे पास, यह सीकेंट और सीकेंट 30 क्या होता है मेरे पास, सीकेंट और 30 है 2/√3, तो यहाँ पर आ गया 2/√3। अब यहाँ का लिखना मुझे कोसिक 30 की वैल्यू, कोसिक ये रहा और उसमें 30 की वैल्यू क्या होती है 2। ठीक है, तो सिंपल जनरली मैं पुट कर दूंगा, या 2/1 ले लूँ क्योंकि इसके नीचे भी डिनोमिनेटर था। तो क्या है मेरे पास सोल्व करके, ऊपर तो एज इट इज चल रहा था 1/√2 अपॉन में, अगर मैं इसका एलसीएम लेने की कोशिश करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, तो बस वही एलसीएम ही लूँगा मैं इसका। यहाँ पर आएगा मेरे पास रूट 3 आया, अभी नीचे चल रहा है डिनोमिनेटर में एलसीएम, और रूट 3 इसके पास था तो ये सिंपल आ गया, और इसके पास 1 था तो रूट 3 से ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर जाता है, और ये सेकेंड वाले इक्वेशन के साथ आएगा। तो मैं लिख दूंगा 1/√2 इंटू में ये वैल्यू 2+√3, और ऊपर आएगा जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर जाता है अपॉन में रूट 3। ठीक है, ये मेरे पास है इसकी वैल्यू। अब मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना, मतलब क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन बड़ा ईजी हो चुका है यहाँ पर। अब ये था मेरे पास रूट 3 और यहाँ पर दिया हुआ है इस तरह से कुछ आ गया। अब इन दोनों में से यहाँ कुछ कॉमन है, क्योंकि आपको नीचे इन एक्सरसाइज में ध्यान रखना कि आपने नीचे रूट में डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ सकते आप। ठीक है, अदरवाइज आपको पूरी कैलकुलेशन या आपके स्टेप डिडक्ट हो सकते हैं, बट क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। अब इसके आगे ये सोल यहाँ तक भी वैल्यू ठीक है, बट हमारे पास इन क्वेश्चन में नीचे डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम धीरे धीरे कैलकुलेशन करेंगे। नीचे से 2 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आया, सिंपल रूट 3 तो एज इट इज़ था और रूट 2 भी एज इट इज़ था। अब इसमें से 2 कॉमन लिया, बाहर 2 आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसमें से 2 गया सिंपल 1 प्लस का साइन, इसमें से 2 गया सिंपल रूट 3। ठीक है, अब ये क्या गया 2√2 अपॉन 1+√3। ठीक है, अब मेरे पास ये आ चुका है। अब मैं इसको कैसे सोल्व करूँगा, अब बस इसको कुछ नहीं सोल्व करना, आपने इसको रैशनलाइज करना है। मतलब कैसे, पहले तो आप लिख लेंगे रूट 3 अपॉन 2√2 और नीचे क्या बना था, रूट 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1+√3 था तो रूट 3 प्लस 1। अब बस मैंने रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज में क्या होता है, इंटू करके जो नीचे है ना उसके अपोजिट साइन करना बीच में से, तो रूट 3 माइनस 1 अपॉन में रूट 3 माइनस 1। ठीक है, ये आ गया मेरे पास रूट 3 माइनस 1 करके, रूट 3 माइनस 1 करके। अब ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 इंटू में रूट 3 माइनस 1 और अपॉन में क्या आएगा 2√2, तो एज इट इज चल रहा था। अब ये क्या, a प्लस बी ए माइनस बी, आइडेंटिटी होती है a प्लस बी ए माइनस बी, इन दोनों को सोल्व करके आता है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब रूट 3 का स्क्वायर कितना आएगा, रूट 3 का स्क्वायर सिंपल रूट से रूट कैंसिल 3 और 1 माइनस आता है 1 का स्क्वायर, तो 1 एज इट इज। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, आगे मैं निचले लाइन में करूँगा जो मुझे क्वेश्चन सोल्व करना है। पहले तो मुझे दिख लिया कि हाँ रैशनलाइज करके ये आ गया। अब आगे क्या आएगा मेरे पास सोल्व करके, अब आगे मुझे सिंपल ब्रैकेट खोलनी है। तो क्या आएगा, रूट 3 इंटू 1, अगर मैं इसको ओपन भी करना चाहूँ तो रूट 3 इंटू रूट 3 क्या आएगा, सिंपल 3 माइनस के रूट 3 से मल्टीप्लाई होएगा रूट 3 अपॉन में क्या था 2√2 3 माइनस 1 2। तो पूरा सोल्व करके क्या आ गया, 3 माइनस के कितना बना है मेरे पास 3 और 2 और माइनस, ठीक है यहाँ पर आया मेरे पास सिंपल 3√3 अपॉन 2, 2 2 जा 4, 4
फॉर रूट टू। अभी भी रूट टू नीचे आ रहा है, बट अब फर्क क्या है, पहले मेरे पास रूट टू में कुछ ऐड हो रहा था, रूट टू सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या करना है मुझे, रूट टू से ही मल्टीप्लाई और रूट टू से ही डिवाइड, ठीक है। तो क्या आएगा, इसको पूरी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, थ्री माइनस रूट थ्री इन टू में रूट टू, अब रूट टू इन टू रूट टू सिंपल टू, और फोर उस टू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा एट। अब नीचे से और रूट ख़त्म, और मुझे इस क्वेश्चन में इसके थर्ड पार्ट में ये प्रूव करना है, ठीक है। ठीक है, अब हम करेंगे इसे गाइस फिफ्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट मैंने खुद नहीं करा, क्योंकि फोर्थ पार्ट इजी है। अब इतने सारे क्वेश्चन मैंने खुद करे हैं, तो ये आपकी ये ड्यूटी है कि आप इसका फोर्थ क्वेश्चन करें। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है उस क्वेश्चन में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपका डाउट जरूर लूँगा, बट ये आपका होमवर्क है, तो उसी की जगह मैं करूँगा इसका फिफ्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट में क्या है मेरे पास, फाइव कोस स्क्वेयर 60, फोर इंटू सेकेंड स्क्वेयर 30, और फिर माइनस के टेन स्क्वेयर 45 डिग्री, डिग्री डिग्री लगाना ज़रूरी है, और साइन स्क्वेयर 30 प्लस में कोस स्क्वेयर 90, यहाँ पर नीचे है, ठीक है। कुछ नहीं करना मुझे, सिंपल वैल्यूज पुट करनी है, कोस स्क्वेयर 60 की वैल्यू अब पीछे टेबल से पुट करेंगे। अब मैं जनरली पुट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है वैल्यू सारी, बट आप जब क्वेश्चन करोगे स्टार्टिंग में, तो आप देख देख के या थोड़ा थोड़ा याद करके वैल्यूज पुट करना। तो कोस 60 के क्या होते हैं मेरे पास, हाफ, उसका क्या करना है स्क्वेयर, और यहीं सिमिलरली फोर सेकेंड स्क्वेयर 30 कितना होता है, नहीं सेकेंड 30 कितना होता है मेरे पास, साइन का उल्टा, साइन 30 ने कोस को उल्टा, तो इसका आ जाएगा 2/√3 का होल स्क्वेयर, और टेन 45 होता है 1/1 का स्क्वेयर। अपॉन में मेरे पास चल रहा था साइन स्क्वेयर 30, साइन 30 कितना होता है 1/2, और स्क्वेयर था तो उसका भी स्क्वेयर कर दिया, प्लस कोस स्क्वेयर 90, ठीक है। कोस स्क्वेयर 30 था सॉरी यहाँ पर, अब कोस 30 था, अब कोस 30 की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, √3/2 का होल स्क्वेयर, ठीक है। अब बस इसको सोल्व करेंगे, 5, 1 का स्क्वेयर 1, 2 का स्क्वेयर 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/4, ठीक है, और यहाँ पर था 4 प्लस में 4 × 2 × 2 = 4, अभी सिर्फ ये ब्रैकेट में ही कर लो जे, और 3 इससे कैंसिल हो जाएगा सिंपल 3, और -1 एज इट इज चल रहा था। अब 1/2 का होल स्क्वेयर 1/4, और रूट से रूट कैंसिल सिंपल 3, और 2 × 2 = 4, ठीक है। अब मेरे पास क्या आया, अभी मेरे पास कुछ नहीं आया, मैं क्या एलसीएम लूँगा फिर सोल्व करूँगा। तो ये क्या था 5/4, अभी पहले सिंपल ही कैलकुलेशन करते हैं, 4 × 4 = 16/3 -1, और नीचे था मेरे पास, ये नीचे एलसीएम ले लो पहले ही, 4 एलसीएम आ जाएगा, और 1+3, ठीक है, 3+1 = 4, 4/4 ख़त्म ही हो गया, यहाँ पे पूरा ख़त्म हो गया, क्योंकि इन दोनों का ऐड करके वही आएगा, और सेम डिजिट है 4/4 1 ही होता है, तो इसकी वैल्यू 1 लिख लो। अब मेरे पास है क्वेश्चन इसका, ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या जाएगी मेरे पास, अब आप चाहो तो उसका एलसीएम ले सकते हो, 4 और 3 का एलसीएम क्या आता है मेरे पास 12, ठीक है, और नीचे 12 है, अब इसका एलसीएम ले रहा हूँ, और यहाँ 4 है, 4 के टेबल में 12 कितने पे आता है 3 पे, तो उससे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 5, 5 × 3 = 15 प्लस, अब यहाँ क्या है 3 और यहाँ क्या है 12, 3 के 12 में 12 कितने पे आता है 4 पे, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो 16 × 4 = 64, ठीक है। अब यहाँ क्या था, इसी नीचे 1 कर सकते हैं, 1 के 12 में 12 कितने पे आता है 12 के, तो 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इन तीनों को ऐड करके मेरे पास यहाँ पर पूरा क्वेश्चन बन जाएगा 67/12, ठीक है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर था। तो इसी के साथ ही मेरा क्वेश्चन 8.2 होगा, ही क्वेश्चन फर्स्ट के सारे पार्ट हो चुके हैं, जिसमें से फोर्थ पार्ट आपका होमवर्क है। अगर फिर भी नहीं होता आपसे, आपका फिर भी डाउट रह जाता है, कुछ क्वेरी रह जाती है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं पूरी उम्मीद है कि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूँ। ओके।